ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। इसी को लेकर हमारे साथ प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं पलवल से, तो वहीं कलावली की खास हलचल हम तक पहुंचाने के लिए जगदीश प्रतापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं पलवल का। जी प्रवीण, आज क्या कुछ खास हलचल आपके हलके में होने वाली है? भावना, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि राजनीति हलचल को लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल आज एक बहुत बड़ी महापंचायत का आयोजन करने जा रहे हैं, क्योंकि जो उसमें उम्मीदवारों की लिस्ट में जो नाम था वो फरीदाबाद जिले से, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से महेंद्र प्रताप सिंह का और करण सिंह दलाल का नाम था, जिसे दोनों की जो फाइट चल रही थी। लेकिन महेंद्र प्रताप की टिकट मिलने के बाद अब पिछले काफी समय से जो है नाराजगी दिखाई जा रही है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल आज महापंचायत का आयोजन करने वाले हैं और उसमें महापंचायत में तमाम इलाके की सरदारी को भी बुलाया गया है और उनके साथ राय शुमारी भी की जाएगी, लोगों से बातचीत की जाएगी कि अब आगामी क्या रणनीति अपनाई जाए, क्या निर्दलीय लड़ा जाए या पार्टी को बदला जाए, या जो जनता का जो जो राय होगी या जनता के जो आदेश होगा उसका पालन किया जाए या आगामी विधानसभा की तैयारी की जाए। तो तमाम चीजों को लेकर आज पलवल और फरीदाबाद के बीच में झारखंड एक बहुत बड़ा गांव है, वहां पर एक महापंचायत का आयोजन है वो होने वाला है, जहाँ काफी भारी संख्या में लोग आगे जो सरदारी वहां पहुंचेगी और कहेंगे आज एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का जो अवसर है वो आज दिया जाएगा, जिसको लेकर दो दिन पहले ही जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया था कि इसमें कि किस तरह से निर्णय लिया, क्योंकि टिकट ना मिलने के कारण जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल जो है वो काफी नाराज थे और जनता भी इसी चीज को लेकर काफी नाराज है, तो उसको लेकर एक पंचायत का आयोजन करना था। लेकिन आज वो महापंचायत की जाएगी, जिसमें कहना कि ये कौन सा निर्णय लिया जाएगा, क्या निर्दलीय लड़ा जाए या आगामी विधानसभा की तैयारी की जाए या किसी और पार्टी में जाए, तो तमाम चीजों के लिए सवाल निशान लग गए, जिसको लेकर आज काफी देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि दोपहर तक उन्होंने ये नई चीज सामने निकल कर आएगी कि पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल आज महापंचायत में क्या फैसला लेते हैं। वही बात कर लेते हैं हरियाणा में जो 25 मई को होने वाले नामांकन चुनावों को लेकर जो नामांकन प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है, आधिकारिक तौर पर जो आदेश जारी कर दिए कि आज से नामांकन शुरू कर दिए, जो भी उम्मीदवार है वो फरीदाबाद जिले के लघु सचिवालय में पहुंचकर नामांकन करेंगे, चाहे वो पलवल से उम्मीदवार हो चाहे वो फरीदाबाद से उम्मीदवार हो, क्योंकि दोनों का एक ही लोकसभा क्षेत्र है, तो तमाम जो भी उम्मीदवार है वो अपने नामांकन के लिए फरीदाबाद सेक्टर 12 में आज अपने लघु सचिवालय नामांकन के लिए पहुंचेंगे, तो उसको लेकर तमाम उम्मीदवार है जो आज कहने की देखा जा सकता है कि कई पार्टियां हैं, जैसे भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इसके साथ इनेलो है, जसपा है, आम पार्टी है और बीएसपी पार्टी, तमाम अन्य पार्टी अपने अपने उम्मीदवार जो है आज देखा जाएगा कि कौन उम्मीदवार सबसे पहले पर्चा भर जा पहुंचे, कौन अपना शक्ति प्रदर्शन करता, तो ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि इसके बाद 6 मई अंतिम नामांकन की अंतिम तारीख है, इसके बाद 25 मई को जो हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव होने, तो उसको लेकर तमाम उम्मीदवार भी से अपने मैदान क्षेत्र में उतर चुके हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं और घर घर जाकर यूं कहे कि नुक्कड़ सभाएं करके या रैलियों के माध्यम से लोगों से बातचीत करने का संवाद किया जा रहा है, ताकि लोगों को लुभाने का प्रयास किया जा सके और लोगों से सीधी बातचीत की जा सके। तो आज उस नामांकन की प्रक्रिया, जिसको लेकर काफी लंबे समय से तमाम उम्मीदवारों को इंतजार था, आज नामांकन प्रक्रिया है जो आज से आरंभ हो रही है और 6 मई अंतिम तारीख रहेगी, तो उससे पहले पहले तमाम उम्मीदवारों को अपना नामांकन करना होगा, जिसमें प्रशासन ने आदेश दिया कि जो भी उम्मीदवार है वो बैरिकेटेड में अपने 3 गाड़ियां और कुछ लोगों के साथ ही अंदर आने की अनुमति है, इसके अलावा जितने भी भीड़ होगी चाहे वो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से आ रहे हो, तमाम जितने लोग हैं जो निर्धारित स्थान निश्चित किया गया उस निर्धारित स्थान से बाहर रहना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चुनाव आयोग का भी सख्त आदेश है जिसकी पालना तमाम उम्मीदवारों को करनी होगी, तो इसको लेकर आज से नामांकन प्रक्रिया जो शुरू कर दी गई है। जी भावना जी जगदीश, आपका रुख कर लेते हैं, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है? जी भावना, सबसे पहले मौसम की बात कर लेते, तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, देर रात्रि जो देखा गया तेज बारिश है, अब भी जो है बूंदाबांदी हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों की जो पीला सोला है बाजारों में आ रहा है, मंडियों में जो गेहूं की फसल आई हुई है वह भीगती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन के जो दावे किए जा रहे थे कि सभी तरह के प्रबंध किए गए हैं वो उनकी और खुलती कहीं ना कहीं नजर आ रही है और किसानों की जो चिंता है वह बढ़ती नजर आ रही है। भाई जो गेहूं के उत्थान की बात की जाए तो गेहूं का उत्थान धीमी गति से चल रहा है, बाजार मंडी के अलावा जो पास एरिया हुडा कॉलोनिया है जब खेतों में कहीं भी गेहूं किसान जो है बेचने को मजबूर है, कच्चे जो रखते हैं उन पर कहीं ना कहीं किसानों का गेहूं पड़ा है, बारिश पड़ने के कारण अब उनका गेहूं गीला हो जाएगा और गीला गेहूं जो सरकार को भरा जाएगा, कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जो है गेहूं को
गेहूँ बिकता लग रहा है और कहीं ना कहीं किसान किसानों का जो गेहूँ है वह बिकेगा और जो सरकार को बढ़ाया जाएगा, सरकार को चूल्हा लगाने का काम है कहीं ना कहीं दाई तरफ जाने के द्वारा किया जा रहा है। भाई राजनीतिक अंचल की बात कर ले तो आज जो है कालाबाड़ी में कुमारी सहजा आएंगे, कुमारी सहजा अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और एक कार्यकर्ताओं की मीटिंग करेंगे, उसके बाद एक रोड शो जो है उनकी ओर से किया जाएगा। भाई हमारे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ गई की कुमारी सहजा के आ रहे तो सुनीता दुग्गल के मुंह बोले भाई टीशू सुनील गर्ग और टीशू प्रधान जो रानिया से चुनाव लड़ने की सुनाई कर रहे थे, टिकट के दावेदार थे, कहीं ना कहीं वह आज भाजपा को छोड़कर कुमार सहजा के साथ कांग्रेस में कहीं ना कहीं ज्वाइन करने का काम उनके उससे किया जाएगा। भाई जो बात की जाए भाजपा की तो भाजपा के जो प्रत्याशी डॉक्टर अशोकता और उतारे गए वह आज सिरसा में अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद सिरसा में कई कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। वही बात की जाए जनपद की तो भाजपा की ओर से जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वह आज सिरसा और डबोवाली का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करने का काम किया जाएगा। भाई अगर बात की जाए नैनो की तो संदीप लोग जिनको टिकट दी गई है आज जो है अहलावर रानिया और डबोवाली सिरसा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और लोगों से मुलाकात करने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए किसानों की तो किसान भी अपने आंदोलन को लेकर अभी आ रहे हुए, कहीं ना कहीं भाजपा और भाजपा के नेताओं को अपने गांवों में न घुसने के लिए उनकी एक बैठक जो है रविंद्र सिंह और की अध्यक्षता में आयोजित होगी और कहीं ना कहीं शक्तियां और बोर्ड जो तैयार किया जा रहा है किसानों के गाँव या उनमें उनकी जो कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जनता और भाजपा के जो नेता जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सवाल जो किए जाए उन सवालों की तकिया जो है बनाई जा रही है और किसानों को जो है प्रेरित करने का काम उनकी ओर क्या किया जाएगा जी भावना। जी जगदीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हल्का हलचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।